हेलो फ्रेंड्स, अंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर मूली का अचार। अचार के लिए हमने गाजर लिया है, उसे हमने छील के रखा है, इस छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। और मूली को भी हमने छील के रखा है, इसका भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। हमने हरी मिर्च लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च है। और अचार में डालने के लिए हमने मसाले के लिए हमने थोड़ी सी राई पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, कलौंजी है, सौंफ और अजवाइन। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं अचार बनाना। मूली हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, गाजर भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। ये जो गाजर का वाइट भाग है हम इसे निकाल देंगे, इसे भी छोटे छोटे टुकड़े में हम कर लेंगे। हमने लंबे टुकड़े में काट लिया है, हरी मिर्च को लंबे टुकड़े में काटेंगे हम। मिर्ची, गाजर और मूली को हमने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, इसी के साथ में राई पाउडर डालेंगे हम, आधे आधे चम्मच डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। हरी मिर्च हमने डाला है इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। आधे चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है डालने के लिए, जो हमने सौंफ रखा था हमने सौंफ भी डाल लेते हैं इसमें। इसी के साथ में अजवाइन, कलौंजी, चुटकी भर हींग, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी राई का तेल 1 से 2 बड़े चम्मच। ये सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अचार बनके तैयार हो गया है। इसे हम 2 से 3 दिन धूप में रखेंगे सूखने के लिए, ताकि अच्छे से इसमें नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा ये गल जाए, फिर खाने लायक हो जाएगा ये। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।